हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक मैथ में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम आपके लेके आए हैं एक नई धमाकेदार वीडियो जिसके अंदर हम एक नई डायरी को कम्प्लीट करने वाले हैं। डायरी का नाम है क्रिटिज्म लेसन प्लान डायरी, यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लान। तो इसको हम कम्प्लीट करेंगे। इसके अंदर हमने टोटल 20 प्लान बनाए हुए हैं, तो उनको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला प्लान। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पर डेट, और डेट वो लिखनी है जो आपको इंटर्नशिप के समय अलॉट हुई थी, वो इंटर्नशिप वाला समय ही आपको यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर क्लास, कौन सी क्लास के लिए आप लिख रहे हैं इसको, और यहाँ पर पीरियड। एक्चुअली होता क्या है, ये जो डायरी है वो आपको स्कूल के अंदर जितने भी टीचर्स की इंटर्नशिप लगती है उनका ऑब्जर्वेशन करना होता है। जैसे मान लो आपके साथ में करीबन 3 या 4 लोगों की इंटर्नशिप अगर उस विद्यालय में है, तो उनको आपको ऑब्जर्व करना है कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, उनका तरीका कैसा है, उनकी भाषा शैली कैसी है, वो किन किन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं। तो वही है ये पाठ निरीक्षण, यानी उसी का हम यहाँ पर निरीक्षण करेंगे, वो किस तरीके से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमने लिख दी इतिहास, उसका टॉपिक यहाँ पर लिख दिया है, और इसके बाद हमने यहाँ पर नीचे लिखा है छात्र अध्यापक का नाम। ये छात्र अध्यापक का नाम वो है जिसका हम निरीक्षण करेंगे, ध्यान रखना हमारा खुद का नाम नहीं है ये वो है जिसका हम निरीक्षण करेंगे, हम चेक करेंगे ये कैसा पढ़ा रहा है टीचर, ठीक है। इसकी भी इंटर्नशिप उसी विद्यालय में चल रही है जिस विद्यालय में आपकी चल रही है। अगर आपको ऐसा नहीं पता हो कि कौन सा स्टूडेंट वहाँ पर है, तो आप वहाँ पर जो भी कॉलेज है उस कॉलेज के जो आपके क्लास के स्टूडेंट हैं उनका भी नाम यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर विद्यालय का इंटर्नशिप अगर नहीं हो पाता है टाइम से, तो फिर ये सारी जो डायरियाँ हैं वो विद्यालय के हिसाब से बनवाई जाती हैं उसी कॉलेज में। इसके बाद हम नीचे आते हैं निरीक्षण एवं आलोचनाएँ। इसके अंदर आपका पहला यहाँ पर पॉइंट है प्रिपरेशन, यानी पाठ योजना की तैयारी लेख। तो इसमें हमें लिखना है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें प्रयोग की हैं। तो यहाँ पर हम 4 पॉइंट यूज कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार और भी पॉइंट यूज कर सकते हैं। पहला यहाँ पर पाठ योजना प्रकरण के अनुसार थी, यानी जो सामने वाला पढ़ा रहा है उन्होंने जो पाठ योजना बनाई है वो उसी टॉपिक के अनुसार थे। दूसरा है पाठ योजना में छात्र क्रियाओं को शामिल किया गया, विकासात्मक बोध प्रश्नों को शामिल किया गया, पाठ योजना में मूल्यांकन को भी जगह दी गई। तो ये आपका पहला टॉपिक है और उससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है वो प्रश्नों के द्वारा निकाला गया है, और जो प्रस्तावना है वो प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित था। इस तरीके से यहाँ पर 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए। इसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि कक्षा की व्यवस्था किस तरीके से थी। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट इसमें यूज किए हैं कि कक्षा में जो छात्रों की बैठक व्यवस्था वो ठीक थी, कक्षा में अनुशासन की थोड़ी कमी थी, और छात्र सहभागिता ठीक थी, मतलब जो छात्र है वो उसके टीचर के साथ में अच्छे तरीके से मिल पा रहे थे। 4 नंबर पॉइंट पे यहाँ पर हमें विधियों के नाम लिखने हैं, कौन कौन से उसने विधियाँ जो हैं वो प्रयोग की हैं। तो यहाँ पर 3 विधि जो हैं वो मुख्य रूप से प्रयोग की हैं, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन और प्रश्नोत्तर। अगला पॉइंट है शिक्षक।
तो यहाँ पर उसमें शिक्षक से रिलेटेड पॉइंट हमें यहाँ पर लिखने हैं। पहला पॉइंट हमने यहाँ पर यूज किया है कि शिक्षक पूर्ण गणवेश में था, उसकी जो बोलने का तरीका था वो कक्षा के अनुसार था, और जो उसने विषय वस्तु ली है उस पर उसकी अच्छी पकड़ थी। तो इसी तरीके से आपको पॉइंट यूज करने हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, यही पॉइंट आपको उसमें यूज करने हैं। अगला पॉइंट है कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, यानी कक्षा में कौन कौन सी जो शिक्षण सहायक सामग्री है उनका प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर हमने लिखा है कक्षा में चौक, डस्टर, पॉइंटर इत्यादि जो सहायक सामग्री उनका प्रयोग किया गया, और साथ में चार्ट का प्रयोग किया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है क्योंकि उसमें लिखा है कि चार्ट की आवश्यकता थी, इसलिए चार्ट का आपको प्रयोग करना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ का मूल्यांकन। तो यहाँ पर हमने इसके तीन पॉइंट लिखे हैं, विषय वस्तु ठीक थी, विषय वस्तु पर्याप्त थी, विषय वस्तु छात्रों के स्तर के अनुसार थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सामान्य, इसके अंदर हमने तीन पॉइंट और लिखे हैं। यहाँ पर हमने लिखा है ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया गया, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया गया। दूसरा हमने लिखा है कि ब्लैक बोर्ड का जो लेख है उनका वो ठीक था, और साथ में गृह कार्य भी दिया गया। सामान्य व्यवहार के अंदर हमने दो पॉइंट लिखे हैं कि ब्लैक बोर्ड पर जो एंट्री है वो उन्होंने ठीक तरीके से की है, शिक्षण के प्रति जो छात्रों का रवैया है वो काफी ठीक था। इसके बाद है सुझाव, यदि कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चार सुझाव दिए हुए हैं, सभी छात्रों पर ध्यान दें, श्यामपट को हाथ से साफ ना करें, छात्रों का उत्साह वर्धन करें, और समय का ध्यान जरूर रखें। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर आएंगे क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर उस टीचर के सिग्नेचर आएंगे जिसका आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर राम अवतार था तो वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा, आप यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आप उस स्कूल के किसी भी टीचर से सिग्नेचर करवा सकते हैं, या अगर आप कॉलेज में हैं तो आप कॉलेज के किसी भी टीचर से करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सभी जो प्लान हैं वो बनाने हैं, सभी को इसी तरीके से लिखना है, बस टॉपिक चेंज हो जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करनी है डायरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।